हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस कंसेप्ट या जिस ट्रिक की बात करने जा रहे हैं, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आप ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है उसका 20% रटने से बच जाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ग्रिगनार्ड रिएजेंट को मैं प्यार से ग्रैंडपा बोलूँगा। क्या बोलूँगा? ग्रैंडपा। उसके पीछे लॉजिक है जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि सबसे पहले इसको हम बनाएंगे कैसे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप क्या करो, एल्काइल हैलाइड ले लो, RX। यहाँ पे X क्या है? हैलोजन है। आइदर CL हो सकता है, BR हो सकता है, जनरली आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरिन हम नहीं लेते हैं क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आप क्या ले लोगे, RX मतलब एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। तो करना क्या है, इस मैग्नीशियम को इसके बीच में इंसर्ट कर देना है। कहाँ पे? R और X के बीच में, राइट। इस तरह से मैग्नीशियम हाथ फैलाएगा। क्यों? मैग्नीशियम के लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, राइट। एक तरफ उसके R होगा, कोई एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, और एक तरफ X होगा, डेट इज हैलोजन होगा। तो देखो वेरी सिंपल है, एल्काइल हैलाइड लिया, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को क्या करना है, बीच में इंसर्ट करना है। तो ध्यान से देखो, एक तरफ इसने हाथ फैलाया तो R से एल्काइल ग्रुप से ऐड हो गया, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन हैलोजन से, मतलब मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट हो गया। यही आपका क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसी का नाम है ग्रैंडपा। तो वेरी इजी है बनाना, राइट। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करेंगे। तो करना क्या आपको, मैग्नीशियम को कार्बन और हैलोजन वाले बॉन्ड के बीच इंसर्ट कर देना है। समझ गए बात? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया, ध्यान से देखो, ये मेरा क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड, X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, X हैलोजन है। यहाँ पे अगर हमने ये लिया तो हमने आपको क्या बोला, क्या करना है, मैग्नीशियम ट्राई ईथर है तो कार्बन और हैलोजन वाले बॉन्ड के बीच आपको मैग्नीशियम को इंसर्ट कर देना है। तो बाकी वैसे रह देना, 1, 2, 3 कार्बन, 1, 2, 3 कार्बन, इनके बीच मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दिया और हैलोजन आपका ये हो गया। वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर इसमें बात करें तो ये कार्बन और ये हैलोजन है, इनके बीच इंसर्ट करना है, बाकी चीज़ को वैसे ही रहने दो। तो ये रहने दिया, यहाँ पे ये MG आ गया और इससे X, कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड के बीच मैग्नीशियम को इंसर्ट कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा, सब कुछ वैसे ही रहने दो, यहाँ पे आपका MG आ जाएगा और इसमें X, क्योंकि ये कार्बन और ये हैलोजन के बीच मैग्नीशियम को इंसर्ट कर देना है। सिमिलरली अगर इसमें बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देखो, बाकी जो चीज़ें जैसी हैं, यहाँ पे क्या करना है, MG और ये X, जैसे भी दिखा सकते हैं। तो मैंने ये चार एग्जांपल क्यों लिया, ताकि आपके माइंड में ये पॉइंट डाल सकूँ कि भाई ये एलिफैटिक हो, एरोमेटिक हो, कुछ भी हो, सबसे आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा। ध्यान से देखो, ये 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, बेंजीन पे हैलोजन लगाओ या बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे लगाओ, कहीं पे भी जिस कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड है उसके बीच MG को इंसर्ट कर देंगे, अगर RX MG ड्राई ईथर होगा तो। और ये सब के सब आपके क्या हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में, ग्रैंडपा के बारे में कुछ अच्छी बातें बताइए सर। तो अच्छी बात ये है कि इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी। अब क्यों बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। जब भी आपका मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड हो, ध्यान दो, मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट कनेक्शन हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है तो ऑर्गेनोमेटेलिक, मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है तो ऑर्गेनोमेटेलिक। तो जब भी, या यहाँ पे देखो, कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है, तो इसलिए जितने भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड को लेंगे, जिसमें मेटल का डायरेक्ट बॉन्डिंग, डायरेक्ट कनेक्शन किससे होना चाहिए, कार्बन से। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों नहीं हुए, कुछ बच्चे कैसे रट लेते हैं कि उसमें मेटल होना चाहिए और कार्बन होना चाहिए। यहाँ मेटल है, सोडियम, कार्बन भी है, बट सोडियम डायरेक्टली कार्बन से अटैच नहीं है, ऑक्सीजन से, सोडियम एसीटेट में, इसलिए यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। नाउ
बच्चों के माइंड में यह भी आता रहता है कि सर ड्राई इथर ही क्यों, मॉइस्चर वाला ले लिया तो क्या होगा। देखो ड्राई इथर इसलिए लेना ना कि उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि अगर आपने ड्राई इथर नहीं लिया तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल रहा है आपको RMGX, इससे एक्चुअली में क्या मिलता है आपको, आर माइनस मतलब कार्ब एनायन अपने को मिलता है। क्या मिलता है, कार्ब एनायन, क्योंकि ये कैसे ब्रेक होगा, वेरी सिंपल, ये मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। चूंकि मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, डेट मीन्स लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से आपको एक्चुअली में क्या मिल रहा है, आर माइनस, जो एक अच्छा बेस भी है, राइट, क्योंकि कार्बन पे माइनस है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अगर आपने ड्राई इथर नहीं लिया, मॉइस्चर अगर हुआ तो ये आर माइनस मिल रहा है आपको, और वो वाटर से एच प्लस लेकर के आर माइनस, वाटर से एच प्लस लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट मिले तो फिर आपको ड्राई इथर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉइस्चर थोड़ा सा भी आ गया तो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट बना वो एक्चुअली में किस में कन्वर्ट हो गया आपका, हाइड्रोकार्बन में, आइदर एल्केन एल्कीन जो भी होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो। सेकेंड, और जो दूसरे रीजन है वो ये भी हो सकते हैं कि क्योंकि अगर RX और मॉइस्चर वाटर हुआ तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से ROH अल्कोहल बन सकता है, तो ये भी इस वजह से हम अवॉइड करते हैं। तीसरा, वैसे तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन के थ्रू अगर हीट प्रोड्यूस हो गया और वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट कर गया तो फिर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आप चाह रहे थे कि मैग्नीशियम आपका इससे रिएक्ट करे जबकि मैग्नीशियम कुछ अमाउंट वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, तो इन सब कारणों की वजह से हमें ड्राई इथर लेना पड़ता है। देखो अब हमने जो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाया है तो उसके बारे में एक और पॉइंट ये है कि ये तो RMGX आपको एरो पे लिख सकता है, राइट, तो इससे मिलेगा क्या, तो इससे मिलेगा आपको R माइनस और MgX प्लस, राइट, इधर भी वही लिखा मैंने, R माइनस और MgX प्लस, ये ब्रेक होकर के आपको कार्ब एनायन देंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और MgX साथ में रहेंगे उस पर प्लस चार्ज रहेगा, राइट, तो ये बैलेंस भी हो गया चार्ज। तो अब जो कार्बन एनायन आर माइनस मिला है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर सकता है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, इसलिए वो जल्द से जल्द किसी को लोन पेयर देना चाहेगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। और इसीलिए कहीं पे भी अगर एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर इसको छोड़ दिया आपने तो फिर आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट किस में, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एसिडिक हाइड्रोजन आप कैसे पहचानेंगे, तो वो सारे हाइड्रोजन जो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच होंगे। फ्लोरीन से अटैच होने का मतलब क्या हो गया, जैसे HF से रिएक्शन करा दिए। ऑक्सीजन से अटैच होने का मतलब जैसे वाटर से या फिर अल्कोहल से या फिर एसिड से, इन सब में आपका हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच है। या फिर N की बात करें तो NH3 अमोनिया से, राइट, तो वो सारे केस जहाँ पे हाइड्रोजन फोन से अटैच है, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, ऐसे केस में आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो R माइनस है वो इसका H लेकर के हाइड्रोकार्बन में चला जाएगा। और वैसा भी केस हो सकता है जहाँ पे आपका हाइड्रोजन sp कार्बन से अटैच हो। अगर आपका हाइड्रोजन sp कार्बन से अटैच है तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उस वजह से भी वहाँ पर आपका एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCN में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, या यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो sp कार्बन पे, ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो पॉइंट क्या हुआ, फोन वाले हाइड्रोजन या sp कार्बन वाले हाइड्रोजन आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट कर करके एसिड बेस रिएक्शन शो करेंगे और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, और इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर सकता है ये, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो कर सकता है। तो इसलिए मैंने दो कैटेगरी बनाया ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि जो RMGX है वो एज ए बेस काम कर सकता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में मैं डिस्कस करता हूँ कि जब वो एज ए बेस काम करेगा तो क्या क्या रिएक्शन होगी, कहाँ पे करेगा वो समझा दिया है। वो सारे हाइड्रोजन जो फोन से अटैच हो या sp कार्बन से, वहाँ पे ये एज ए बेस का काम करेगा, और अगर ये नहीं हुआ तो बाकी सारी जगह पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा।
तो चलिए हम बात करते हैं कि जब ग्रिगनार्ड एजेंट एज ए बेस काम करेगा तो कैसे रिएक्शन को कराना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कभी भी रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। अगर कभी पॉसिबिलिटी हो कि एक से ज़्यादा रिएक्शन होने के चांसेज है तो सबसे पहले आपको एसिड बेस रिएक्शन कराना है। ये पॉइंट को एकदम ध्यान में रखिए आप कि कहीं पे भी एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है तो ये वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन को आप रोक नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले आपको यही रिएक्शन कराना है। नाउ हमने यहाँ पे क्या किया, RMGX ले लिया ग्रिगनार्ड एजेंट। इसको अगर वाटर में H2O से तो आपको मालूम है वाटर का H प्लस और OH माइनस, तो आपको क्या करना है R के साथ जिसपे माइनस और MgX पे पूरा प्लस है, राइट। तो माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस, सिंपल सा। तो R पे माइनस है तो H2O से आपको H मिलेगा प्लस में, तो RH बन जाएगा, यह हाइड्रोकार्बन, और MgX के साथ कौन आ जाएगा OH, सिंपल। सिमिलरली HF होगा तो आपको क्या मिल जाएगा RH, और MgX के साथ कौन आ जाएगा F, NH3 होगा तो आपको क्या मिल जाएगा RH प्लस MgX के साथ आपका आ जाएगा NH2। तो सब में ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका हाइड्रोजन फोन से अटैच है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, इसलिए आपको मिल जाएगा RH प्लस MgXOR, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो आपको मिल जाएगा RH प्लस MgXRC डबल बॉन्ड O, इसमें माइनस है तो राइट, तो वो चार्ज बैलेंस हो गया। ये हाइड्रोजन आपका sp कार्बन से अटैच है तो इसलिए क्या मिल जाएगा RH प्लस MgX, और ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये हाइड्रोजन आपका sp कार्बन से है तो क्या मिल जाएगा RH प्लस MgXCN, ये बन जाएगा। बस पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपका ग्रिगनार्ड एजेंट ईथर से रिएक्ट नहीं करेगा ROR, क्योंकि यहाँ पे ना तो एसिडिक हाइड्रोजन है, और दूसरा रीजन ये है कि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और ग्रिगनार्ड एजेंट पे कार्बन पे भी माइनस चार्ज लोन पेयर ही है, तो कभी नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करेंगे नहीं, रिपेल हो जाएंगे, इसलिए आपका ग्रिगनार्ड एजेंट किससे रिएक्ट नहीं कर सकता, ईथर से नो रिएक्शन। तो ये आपको एक पॉइंट समझाया है कि ग्रिगनार्ड एजेंट आपका कब एज ए बेस काम करेगा, वो सारे हाइड्रोजन जो फोन से अटैच हो या एसपी कार्बन से, वहाँ पे ये एज ए बेस का काम करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन वेरी फास्ट होती है। प्रोडक्ट सब केस में आपको क्या मिलने वाला, अगर आप ध्यान से देखो तो सब केस में आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है हाइड्रोकार्बन। इसलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में ये आपका आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला है कि 20% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है उसका 20% आपका मैं इस ट्रिक से क्लियर कर दूंगा। तो अब हम बात करते हैं जब ग्रिगनार्ड एजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ध्यान से देखो मैंने लिखा भी हेडिंग GR एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई एल्काइल हैलाइड लिया, राइट, RMGX ग्रिगनार्ड एजेंट से रिएक्शन कराएंगे, तो जो ग्रिगनार्ड एजेंट से जो R माइनस मिलता है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, इसलिए इससे जो भी रिएक्शन होगी वो वाया SN2 होगी अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये X हटा करके R ले आना है, तो बाकी जो चीज़ें जैसे हैं यहाँ से X हट जाएगा और यहाँ पे आपका RMGX का R यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ से क्या मिल गया, कोई भी हाइड्रोकार्बन एल्केन, यहाँ पे एल्केन हो गया ये, राइट। तो पॉइंट क्या है कि ये SN2 रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वेट नहीं करेगा कि हैलोजन जाए फिर कार्बोकैटायन बने फिर ये अरेंज हो, यहाँ पे वैसा नहीं होगा, डायरेक्ट बैक साइड अटैक होंगे, SN2 रिएक्शन होगी। उसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पे हमने लिया फॉर्मल डिहाइड, सी डबल बॉन्डों के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, फॉर्मल डिहाइड और ग्रिगनार्ड एजेंट लिया है, तो आपको मालूम है R- ये यहाँ पे जाकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन में ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो क्या होगा ध्यान से देखो, जस्ट समझाने के लिए O पे माइनस और इस पे प्लस, और ये जस्ट ये बताने के लिए कि ऐसा एक कंडीशन होगा, और आपका ये R माइनस यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो क्या होने वाला है ध्यान से देखो, ये HCO- R और H आपका रहेगा। नाउ यहाँ तक तो बन जाएगा, अगर उसके बाद आपने अगर वाटर डाला या एसिडिक मीडियम आपने क्रिएट किया H2O, H प्लस या H3O प्लस, या इसको ऐसे भी दे सकता है H3O प्लस, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर दिया, तब जा कर के
इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आपका अटैच हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपको क्या मिला, 1 डिग्री अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमने क्या किया, पहले केस में कार्बन सी डबल बॉन्डों के दोनों साइड हाइड्रोजन लिया, इधर एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड कार्बन लगाया, डेट इज अल्डिहाइड अभी भी है ये, राइट। तो आर माइनस से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे फिर से वही सेम, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सी एच थ्री। ध्यान से देखो, सी एच थ्री जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसका डबल बॉन्ड ओ ब्रेक कर देना है, ऑक्सीजन पे माइनस, इधर आपका ये R आ गया और इधर जो था वो रहने दो, राइट। फिर अगेन एसिडिफाइड कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा, सी एच थ्री सी पे ओ एच, इधर H था आपका, इधर ये R ग्रिग्नार रिएजेंट वाला है, ध्यान देना। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या मिला, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे अब हमने क्या किया, इन तीनों में डिफरेंस देखो, सी डबल बॉन्डों के दोनों साइड हाइड्रोजन रखा, एक हाइड्रोजन रखा एक कार्बन, दोनों साइड आप कार्बन कर दिया, डेट इज कीटोन। तो कीटोन से रिएक्शन होगी तो होगा तो वैसे ही, तो आपका ये सी एच थ्री, इधर ये कार्बन पे ओ, इधर सी एच थ्री जो उसका था, और आपका ग्रिग्नार एजेंट वाला आ रहा है इधर माइनस, फिर से एसिडिफाइड कर दोगे तो ये सी एच थ्री, ये सी, ये सी एच थ्री, इधर ओ पे हेच आ जाएगा और ये आर ग्रिग्नार एजेंट वाला। तो यहाँ ध्यान से देखो ये क्या मिल गया आपको, 3 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 5, CO2 प्लस RMGX, बहुत सारे बच्चों को तो हवा ही नहीं लगता है, ये क्या कहना चाह रहा है, तो भाई थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाना है, CO2 को कैसे लिख सकता है, ऐसे तो लिख ही सकता हो ना, यही तो है CO2, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हो, RMGX, R माइनस, फिर से यही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन इधर की तरफ, तो क्या हुआ ध्यान से देखो, RC ये इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो करके O माइनस, इसके पास डबल बॉन्ड O था ही, सिंपल अपना कंसेप्ट लगाना है। उसके बाद एसिडिफाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, RCOH डबल बॉन्ड O, आपको क्या मिल रहा है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही चीज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, राइट। कहीं पे अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बताओ तो RMGX को यूज कर सकते हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल तो कर सकते हो, राइट, या फिर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इस कंसेप्ट या इस ट्रिक से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 20% रिएक्शन को कंप्लीट कर दूंगा। नाउ यहाँ पे जो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो बताओ सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तो बता दिया ये SN2 रिएक्शन होगी, क्योंकि ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि आपका X हट कर करके वहाँ पे R आ गया तो सब्स्टिट्यूट हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन। इन सब केस में क्या हो रहा है सर, 3, 4, 5 इन सब केस में क्या हो रहा है, तो इन सब केस में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इन सब केस में, डेट मीन्स 2 to 4 जो रिएक्शन है, 2 to 5 जो रिएक्शन है आपके, उन सब में आपका क्या हो रहा है, जो आपका पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, और उसकी वजह से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के 2 सिग्मा मिल रहे हैं आपको। ध्यान से देखो, किसी एक को मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया सी डबल बॉन्ड वाला, तो कार्बन की भी वैलेंसी हो गई और ऑक्सीजन के पास भी वैलेंसी हो गई, तो एक आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट R कार्बन से अटैच हो गया और उस ऑक्सीजन से आपका हेच आकर के अटैच हो गया, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के ध्यान से देखो ये एक सिग्मा बना और एक OH वाला सिग्मा बना, तो 2 सिग्मा। तो चूंकि यहाँ पे कोई चीज बाहर नहीं गई है, सब कुछ आपका क्या हो गया है मॉलिक्यूल पे चिपक गया है, ऐड हो गया है, इसलिए ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एडिशन। और चिपका कौन है सबसे पहले, न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक करता है उसकी वजह से रिएक्शन का नाम आता है, चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका ऐड हो रहा है इसलिए नाम इन सब रिएक्शन का क्या रहेगा, 2 to 5 वाले का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन सब को क्या बोलेंगे, एडिशन। और एडिशन में कैसा, तो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, रटना नहीं है बेटा, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने कुछ और रिएक्शन लिया, ध्यान से देखो, अगर आपने RMGX के रिएक्शन साइनाइड से करा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर साइनाइड से कराया तो इसका R माइनस आपका क्या करेगा, ये वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना, राइट, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, इस कारण पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा फर्स्ट केस में, ध्यान से देखो, CH3
इस कारण पे आपका ग्रिगनार्ड जड़वा आर आ गया, पाई बॉन्ड इसका ब्रेक हो गया, दो बॉन्ड बचा, एन पे जो माइनस है उसके साथ कौन आ जाएगा, एम जी एक्स आपका अटैच हो जाएगा, यहाँ तक मिलेगा। अब अगर इसको आपने हाइड्रोलाइज कर दिया H3O+, तो हाइड्रोलिसिस का भी मैट्रिक दे रखा हूँ कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बॉन्ड को ब्रेक कर दो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H। यहाँ पे ये कार्बन कार्बन है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी ये कार्बन कार्बन है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ध्यान से देखो, ये मैंने ब्रेक किया, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो OH और इसको H, दो बॉन्ड ब्रेक किया है, तो फिर से इसको एक और OH और इसको H। तो अब ध्यान से देखो क्या होगा, इस कार्बन के साथ क्या हुआ, इस कार्बन पे दो OH आपका आ गया, पहले से क्या था CH3 और R, और इसको क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देख सकते हो MgxNH2 हो जाएगा, राइट। तो वो तो बाई प्रोडक्ट है, तो उसको नहीं लिख रहा हूँ मैं। और यूनो कि एक कारण पे दो OH जब भी होंगे तो वो अनस्टेबल होते हैं, वाटर को बाहर करना है, तो इसका पूरा OH लो और इसका H, ये देखो ये वाटर बाहर, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल गया, ध्यान से देखो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OR, आपको एक कीटोन प्रोडक्ट मिल गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जब भी साइनाइड की रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो पहले ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये एडक्ट बनेगा, और हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको कीटोन मिल जाएगा। नाउ एसिड हैलाइड के अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो फिर से भाई आर माइनस पहले इस पर एड होगा, राइट। एडिशन होकर करके ये चीजें यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस आ गई, और फिर ये रिवर्ट बैक होंगे तो आपका हेलोजन बाहर चला जाएगा। तो पहले केस में तो आपको CH3 C डबल बॉन्ड O और वहाँ पे आपका R आ जाएगा, मैंने एक ही साथ कर दिया है ये चीज़ें। इस ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन, क्योंकि पहले ऐड हुआ और फिर ये O माइनस जब रिवर्ट बैक किया तो हेलोजन एलिमिनेट हो गया, तो एडिशन एलिमिनेशन, तो आपका ये कीटोन मिल गया, राइट। अब अगर आपने कम अमाउंट में लिया तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, लेकिन अगर इसका ज़्यादा अमाउंट हुआ तो ये कीटोन हो गया, फिर से आपका जो बचा हुआ RMGX है उससे क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और आपको क्या मिल जाएंगे, 3° अल्कोहल। तो चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए रिएक्शन को बीच में रोक पाना मुश्किल होता है, तो अगर आप एसिड हैलाइड लोगे तो आपको 3° अल्कोहल ही मिलेगा, राइट। सिमिलरली अगर आपने एस्टर ले लिया तो भी वही चीज़, ये ग्रुप हेलोजन की जगह आया तो ये बाहर चला जाएगा, तो पहले केस में आपको CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OCH3 बाहर चला गया तो आपका ये R आ जाएगा, और फिर फर्दर आगे फिर से आपको ये 3° अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, चूँकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको यहीं पर रोकना है तो इसके लिए हम बात करते हैं आगे चल करके कि आपको क्या रिएजेंट लेना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर एनहाइड्राइड होगा तो अगेन ये पूरा एक लिविंग ग्रुप है, पहले ये बाहर चला जाएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा आपका, इसलिए पहले एलिमिनेट हो गया, राइट। फिर उसके बाद फिर से फर्दर एडिशन होगा, तो इसलिए ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एडिशन एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहे हैं और कुछ ग्रुप एलिमिनेट भी हो रहा है, तो इसलिए एडिशन एलिमिनेशन। और यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट, ऐसा मत कर देना कि ये वाला को बाहर कर देना, ये हाइड्रोजन फोन से अटैच है, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पे आपको RH मिल जाएगा, ये गलती मत करना, इसलिए जानबूझ करके हमने ये लिया, फ्लो में सबको निकाल दिया, वैसा मत करना। तो अगर हाइड्रोजन फोन से अटैच है तो एसिड बेस रिएक्शन, अदरवाइज फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और इन सब केस में क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड भी हो रहा है और जो लिविंग ग्रुप है वो एलिमिनेट भी हो रहा है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एडिशन एलिमिनेशन। देखो सबके पीछे लॉजिक होता बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड ही हो गया, चिपक ही गया, बाहर नहीं गया, और दूसरा ग्रुप एलिमिनेट हो गया है, तो इसलिए एडिशन एलिमिनेशन बोलेंगे इसको। तो चलिए अब हम ज्ञान की बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज्ञान की बात में। पॉइंट नंबर 1 कि अगर आपने CH3COX, राइट, एक्स कोई भी हेलोजन होगा CLBr, उसकी रिएक्शन RMGX से कराया, तो अभी बताया था पहले तो ये एक्स बाहर चला जाएगा और आपको मिलेगा CH3CO और ये R आपका आ जाएगा ग्रिगनार्ड एजेंट वाला। लेकिन ये रिएक्शन यहीं नहीं रुकेंगी, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये फर्दर आपका जो और मोल्स होंगे RMGX के वो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, CH3C, क्योंकि फिर से ये कीटोन होगा, इस पर अटैक होगा तो OH, ये R और एक और R आ जाएगा,
तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एसिड हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट अल्कोहल पे जाकर के रिएक्शन रुकेगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहीं पे रिएक्शन को रोकना है, कीटोन पे ही रोकना है, तो फिर आपको दूसरा कंपाउंड यूज करना पड़ेगा, R2CD डाई एल्काइल कैडमियम। तो कैसे बनाएंगे उसको, तो वेरी सिंपल, RMgX की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से कर दो, तो क्या हो गया, कैडमियम के साथ आपका ये दोनों R आ जाएगा और MgX के साथ ये Cl आ जाएंगे, तो ये आपका R2CD डाई एल्काइल कैडमियम या कैडमियम डाई एल्काइल बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, यहाँ भी ये मेटल से ही CD से अटैच है राइट आपके एल्काइल ग्रुप कार्बन, तो इससे इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, अब कम हो गई। तो अब जब रिएक्शन कराओगे तो सिर्फ ये एक्स बाहर जाएगा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो करके रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी बस। तो अगर आपको स्पेशली एसिड हैलाइड या एस्टर या एनहाइड्राइड इन सब से अगर आपको बनाना है कीटोन, कीटोन पे रिएक्शन को रोकनी है, तो आपको ये R2CD लेना पड़ेगा। अगर RMgX ले लिए तो रिएक्शन अल्कोहल पे जाकर के रुकेंगी। इसलिए पहला और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, शब्दों में, कि अगर आपने एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड एस्टर ये सब लिया RMgX तो अल्कोहल पे रिएक्शन रुकेगी, R2CD लिया तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन पे रुक जाएगी। नाउ थर्ड पॉइंट, वही चीज कि अगर हमने ये इसका नाम जानते हो ना फॉस्जीन राइट, तो ये लोगे तो पहले क्या होगा, ध्यान से देखो, R- आपका जब इस पे अटैक करेगा तो एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू पहले ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो मैं स्टेप वाइज में बता रहा हूँ, तो CO Cl और इधर R आ जाएगा, फिर से आपका RMgX जब अटैक करेगा इस कार्बन पे तो फिर से ये बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCOR, और फिर से आपका RMgX इस पे अटैक करेगा तब जाकर के आपको मिल जाएगा RCOHR 3 डिग्री अल्कोहल आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसकी रिएक्शन के लिए, कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितने मोल्स ग्रिग्नार्ड एजेंट चाहिए, तो ध्यान से देखो 1, 2, 3 तो 3 मोल्स ग्रिग्नार्ड एजेंट चाहिए। इसलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है कि आपको एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दे देगा डराने के लिए, ऑर्गेनिक का दूसरा नाम क्या है, डरावना स्ट्रक्चर राइट, जो सपनों में आपके आएगा, तो आपको डरना नहीं है क्योंकि रफी सर आपके साथ हैं। तो अगर सपोज करो कि इस टाइप का कुछ आपको दे दिया कंपाउंड और पूछा कि कितने मोल्स GR यूज होंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो दैट्स वेरी सिंपल, कैसे करना है ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन आपका फोन से अटैच है तो 1 मोल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ये हाइड्रोजन सल्फर एसिडिक हाइड्रोजन हो गया तो 1 मोल यहाँ यूज होंगे राइट। उसके बाद ये ईथर है राइट, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। नाउ अब ध्यान से देखो, यहाँ पे Cl सब्स्टिट्यूशन होगा, इसलिए मैंने सबको एक एक करके बताया है, तो यहाँ पे भी 1 मोल रिक्वायर्ड होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ 1 यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, यहाँ पे 0 मोल क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होगी। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या हो गया आपका एस्टर है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये बाहर जाएगा राइट एलिमिनेशन, तो 1 मोल उसके जैसे, और फिर उसके बाद सी डबल बॉन्डो पे अटैक होगा, तो यहाँ पे 2 मोल्स। फॉर एग्जाम्पल एसिड हैलाइड वाला आप देख सकते हो, तो कैसे होगा ध्यान से देखो, यहाँ भी एसिड हैलाइड है तो पहले ये Cl बाहर जाएगा तो 1 RMgX, और फिर जब ये कीटोन बन गया तो फिर से उस पर अटैक होगा तो 2, तो यहाँ पे भी 2 रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पे भी 2, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो CH3COX है, पहले RMgX से आपका ये कीटोन बना, फिर दूसरे RMgX से आपका अल्कोहल बनेगा। तो फॉर कंप्लीट रिएक्शन कितने मोल्स GR यूज हुए, तो ध्यान से देखो 2 और 2, 4 और 1, 5 और 6 और यहाँ पे 1, 7 इधर तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक लास्ट डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइप से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आपकी थिंकिंग ऑलवेज हाई होनी चाहिए कि यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये RX और MG ड्राइथर है, तो आपको बता रखा हूँ क्या होगा कि ये कार्बन और हैलोजन के बीच MG इंसर्ट हो जाएगा, तो मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ MG और X, मतलब क्या हो गया, फर्स्ट केस में आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट बन गया, आपको मालूम इससे क्या मिलता है कार्बेनायन राइट, और ये कार्बेनायन मिला यहाँ पे हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो यहीं से क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा राइट। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन।
तो इस टाइप का भी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं हर तरह के कंसेप्ट से आपको टच कर रहा हूँ कि कैसे करना है। ये थोड़ा सा हाई लेवल की थिंकिंग है। पहले आपका एम जी ड्राइव था, आर एक्स था, तो ग्रिगनार्ड एजेंट बनाया, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर करके अपने ही मॉलिक्यूल में दूसरे पे अटैक कर करके आपका ये प्रोडक्ट बना देगा। तो आई होप मेरा ये ग्रैंडपा वाला कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो 20% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है उसका 20% आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है। और इस कंसेप्ट से हर साल क्वेश्चन मेंस हो या नीट का एग्जाम हो, होगा ही और रहता ही है।